हेलो चंदन, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट में और बहुत बहुत बधाई आपके सिलेक्शन के लिए। तो शुरुआत में हम चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, अपने बारे में कुछ बता दें, फिर आगे बात शुरू करते हैं। जी सर। सर मेरा नाम चंदन कुमार मालाकार है सर। मैंने सर ग्रेजुएशन 2013 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार से किया था सर। उसके बाद सर मैंने सर प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2014 में सर। तो उस टाइम IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट में सर मेरा सिलेक्शन मध्यांचल ग्रामीण बैंक में हो गया था सर। तो मैं दिसंबर 2015 से सर मध्यांचल ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में सर कार्यरत हूँ। और सर जब से मैं एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहा था कंटिन्यूसली, प्रिपरेशन मैंने छोड़ी नहीं थी उसके बाद, तो सब में सर 0.1 और 0.2 ऐसे मार्क्स, एक दो मार्क्स से रह जा रहा था सर। इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ है सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल पोस्ट पे सर। अच्छा, मतलब आपका जो देखा जाए बेस तो काफ़ी पहले से, आपने जॉब करते हुए फिर से सिलेक्शन लिया है, बीच में जी तैयारी छोड़ी सर। नहीं। और स्टडी स्मार्ट के जो बच्चे चैनल पे जुड़े रहते हैं प्रैक्टिस क्लासेस में, वो चंदन को तो देखते ही होंगे। प्रैक्टिस क्लासेस में चंदन लगातार बने ही रहते थे, तो वो बच्चे तो जानते ही होंगे आपको नाम से। तो चंदन, आपने 2014 में तैयारी शुरू करी, फिर उसके बाद 2015 से आप ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर जॉब कर रहे थे, और जॉब के साथ साथ आपने प्रिपरेशन करी, और अब आपको IBPS क्लर्क में एक मौका फिर से मिला है। जी तो सर। अब क्या आगे इरादा PO के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखने का है, या फिर अब आप रुकेंगे? नहीं सर, अभी सर जब तक मैं एलिजिबल हूँ सर तब तक तो ट्राई अच्छा, करना ही है सर। PO के लिए सर इस साल देना है। लास्ट ईयर भी सर मेंस में मैं रह गया था, जो अभी 2022-23 वाला हुआ था सर। और सर RRB PO में भी सर रिजर्व लिस्ट में हूँ सर, 0.22 मार्क्स है सर इस बार के RRB PO रिजर्व लिस्ट में। जी चलिए, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस टोटल तैयारी का? सर मज़ेदार रहा, काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले सर अभी तक, क्योंकि मैं सर जैसा आप कहते हैं क्लासेज में भी कि सीजनल मत बनो, लेकिन मैं सर अभी तक जो मतलब मुझे जो सक्सेस नहीं मिला इसका अगर मैं रीज़न ढूंढूँ सर, इसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न ये है सर कि मैं ऐसे नाव में चढ़ा हुआ था जिसमें जिसको कोई चलाने वाला नहीं था, क्योंकि अच्छा 2015 में जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं किसी टीचर को फॉलो नहीं करता था सर। मैं मतलब खुद ही अपने प्रैक्टिसेज वगैरह लगाता था। नोटिफिकेशन आने पे सीजनल भी था, क्योंकि नोटिफिकेशन आने पे मैं तैयारी शुरू करता था और मॉक टेस्ट वगैरह लगाता था, जिससे प्री तो निकल जाता था सर, मेंस भी निकल जाता था कई दफा, लेकिन वो जो बॉर्डर लाइन होता सर वहीं पे मैं टिका रह जाता था, तो फाइनल मेरिट में मैं बाहर हो जाता था सर। आखिरी तक नहीं पहुंच पाते थे, मतलब जी फाइनल वो थोड़ी मेरिट सी लिस्ट में नहीं आ 90% पाता। तैयारी हो रखी थी, वो 10% आपका रह जाता था, और उसका रीजन ये था जी कि आप जी सीजनल सर बनते थे, जो मैं कहता हूँ जी वो नहीं सीजनल बनते सर थे। और जी सर बच्चे सीजनल नहीं भी था जानते हैं और वो सीजनल ना बनने का। एक मैं अपने बच्चों को उदाहरण देता हूँ, इसका मतलब होता है कि जैसे आप देखते होंगे कि सीजन में लोग अलग अलग तरह की चीजें बेचते हैं, कि आम का सीजन है तो आम बेचना शुरू कर दिया, फिर संतरे का जी सीजन सर है तो संतरा बेचना शुरू कर दिया। तो ऐसे कुछ बच्चे भी जी तैयारी सर करते हैं, अच्छा बैंक का सीजन आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करना शुरू करते हैं। वो खत्म होता है जैसे ही जी बीच सर का समय है, अप्रैल मई तक का, तो इसमें कोई तैयारी नहीं होती है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं है। और उसका एक हाल आप देख सकते जी हैं, चंदन आपको बता ही रहे हैं कि प्री निकल जाता है, कई बार मेंस भी निकल जाता है, लेकिन आखिरी में सफलता नहीं मिल पाती है, थोड़ी बहुत वो कमी रह जी जाती है वो, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक रहती है। ओके, तो तैयारी करते हुए ऐसा कभी चंदन लगा नहीं कि जॉब तो मिल ही गई है, मतलब आप अपने पैरों पे तो खड़े ही हो गए हैं, और आप बिहार जी के रहने वाले हैं और आपको बिहार में ही नौकरी भी मिल गई है, और कि अब ना किया जाए, अब जैसा जिंदगी चल रही है सेटल है। इतने मतलब लंबे समय तक आपने कैसे खींच के रखा, कैसे मोटिवेट किया अपने आप को, क्योंकि बड़ा ही सर क्या है टास्क है ये। जी सर, जब भी सर मैं घर जाता था सर तो मेरी जो मम्मी है उनका मतलब यही रहता था कि बस एक दिन के लिए आया है, मेहमान के तौर पे आया है, फिर चला जाएगा कल। तो मतलब मम्मी को देख के और पापा को देख के काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता था अच्छा, सर। वो मतलब जब भी कोई मैं एग्जाम देता था सर तो वो सबसे पहले पापा का क्वेश्चन रहता था कि क्या हुआ उसमें। तो मतलब पिछले 2-3 सालों से मैंने उनको बताया भी नहीं कि ये सर ये प्री निकल गया है, ये वाला मेंस हो गया है, क्योंकि मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर आ जाता था तो उनका जो मतलब मायूस चेहरा रहता था वो मैं देख नहीं पाता था सर। जब अभी सर रिजल्ट आया है, जब मैंने उनको बताया है,
तो मतलब अलग ही खुशी थी, और मम्मी के तो आंसू भी निकल गए थे सर। मम्मी मतलब खुशी मनाते मनाते रोने लग गई थी सर। जी नहीं, खुशी की बात तो है ही। आपने इतने लंबे जी समय तक, कहा जाता है ना परसिवरेंस, एक इंग्लिश का वर्ड है जो मैं बच्चों कहता हूँ रखना चाहिए, जब तक जीत हासिल नहीं हो रही है, लक्ष्य साधा है तो जी लक्ष्य बदलना नहीं चाहिए, तो आपने वो हासिल किया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो आपको जॉब करते हुए टाइम कैसे मिल पा रहा था चंदन? या मतलब जनरली बच्चे बस तो कहते हैं कि केवल पढ़ाई करते हुए भी उनको बड़ा ही दिक्कत होती है तैयारी करने में, आप रेगुलर जॉब में भी थे, उसके बाद भी आप जी प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे? सर, एक तो सर क्लरिकल का जो टाइमिंग रहता है सर वो 10 से 5 रहता है, बट ऑफिस में सर 6 साढ़े 6 तो बज ही जाता है सर, जनरली ऐसा रहता ही है। तो जो मॉर्निंग का टाइम रहता था वो, और इवनिंग का जो टाइम रहता था सर वो, उसको यूटिलाइज करता था, और जो खास तौर पे वीकेंड जो रहते थे सर, सैटरडे संडे, उसका मैं मतलब पूरा इस्तेमाल करता था सर। जनरली क्या, हमारी जो फाइटिंग जो मतलब जो जॉब में है ऑलरेडी और जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी फाइटिंग ऐसे बच्चों से रहती है जो 10 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए सर थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और जो पुराना एक्सपीरियंस था जो पढ़ाई की थी सर वो काम आया सर, और आपका गाइडेंस और मोटिवेशन सर। हाँ, मैं देखता भी था कि आप, अगर क्लास 7 बजे की है तो आप, लगता है जॉब के बाद आते ही सबसे पहला काम यही करते थे, यूट्यूब खोल करके प्रैक्टिस क्लास में बैठ जाते थे। हाँ, जी ग्यारह क्लास सर में तो आप रोज ही दिखते थे। जी सर चलिए, बहुत ही अच्छा है। मतलब एक आप सोचिए कि अगर आपने एक एम ठाना हुआ है तो आपने बड़ी अच्छी मेहनत करी, बड़ी डेडिकेशन के साथ आपने जॉब भी करी और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करी, है ना? थैंक यू सर चलिए, जी बहुत अच्छा है। तो अगले पॉइंट पे मैं आगे बढ़ रहा था कि आपकी जो पढ़ाई वगैरह हुई, और आपने जब, जैसे नॉर्मल सा फेज होता है कि आपको 2015 में जॉब मिली, 2023 का समय अभी चल रहा है, बीच में तैयारी करते करते ऐसे जी मन में लगा नहीं कि यार अभी छोड़ देना चाहिए, या फिर अब लग रहा था कि अब मेरे अंदर वो है नहीं बात कि मैं आगे सेलेक्ट नहीं हो सकता, नहीं ये था? सर ऐसा ऐसा सर मुझे लास्ट ईयर लगा था सर, 2021 में सर, 21 में सर 2021 में सर मैंने IBPS PO का एग्जाम दिया था, और उस टाइम मैंने तैयारी भी अच्छी की थी, बट जब फाइनल रिजल्ट आया सर तो 0.25 से मेंस में मैं रह गया था सर। तो सर आपका एक एक वीडियो आया था सर उस टाइम पे, मतलब जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए थे उनके लिए, तो मैं उस टाइम सर मतलब छोड़ने ही वाला था सर, बिल्कुल ही मैंने मन बना लिया था कि अब बहुत हो गया, अब छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पा रहा है सर। वो वाला जो मोटिवेशनल वीडियो था सर आपका, वो बहुत मेरे मतलब उसको देख के मैं सर इतना मोटिवेट हुआ कि मतलब मैं आपकी जो, उससे पहले मैं रेगुलर क्लासेज में नहीं आता था सर, आपकी क्लासेज में 2021 से देख रहा हूँ सर आपकी क्लासेज, तो मैं रेगुलर 2021 क्लासेज से क्या में आप नहीं आता था 2022 सर। से ज़्यादा रेगुलर हुए हैं? 2021 के जी, तो लास्ट से मैं आपने रेगुलर देखना शुरू किया है। जी मैं सर रेगुलर नहीं रह पाता था क्लासेज में, चाहे वो प्रैक्टिस क्लास हो, मैं कोर्सेज भी परचेज कर लेता था सर, फिर भी मैं कोर्सेज कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो वो जब वहां से वो मोटिवेशनल वीडियो मैंने देखा सर आपका, तो वहां से थोड़ा सा मैंने अपने आप को और पुश करा, थोड़ा और टाइमिंग निकाली मैंने वीकेंड में, और थोड़ा सा टाइम निकाला अपने लिए, तो फिर उसके बाद सर हाँ, जहाँ तक मैं शायद जो जॉब करते हैं उन बच्चों के लिए यही कहता हूँ कि अगर आप अपने वीकेंड्स का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप जॉब क्रैक जी कर सर सकते हैं। थोड़े दिन आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन फिर आप अच्छी पोजीशन में जी पहुँच जाएंगे। तो आपने कौन से स्टेट से भरा था? आप कहाँ पे आप पोस्टेड होंगे? सर मैंने सर दिल्ली से भरा था, चूंकि सर एक बार आपसे बात भी थी सर RRBPO का, जब आप मॉक इंटरव्यू ले रहे थे, मेरे पिताजी सर दिल्ली में एक शू फैक्ट्री में वो हैं सर, कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छा, तो दिल्ली में ही वो रहते भी हैं, तो मेरी लगभग फैमिली दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी है सर, तो इस वजह से मैंने दिल्ली से भरा था सर। चलिए, अब बहुत ही अच्छा है, आप अपने परिवार के पास रहेंगे, जी सर अच्छा लगेगा आपको भी जॉब करते हुए, है ना? जी सर चलिए जी चंदन, बहुत ही अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस लेते हैं जो कि जी स्टूडेंट्स के लिए भी और फायदेमंद हो। तो आप, चूंकि आपने 2014 से प्रिपरेशन करना शुरू किया और अभी तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा जी स्ट्रांग बेस भी आपका है, क्योंकि आज के जी समय में बच्चे भी ज़्यादा पहले की तुलना में बढ़ गए हैं, 2014-15 की बात करी जाए तो, है ना, फाइट भी ज़्यादा बढ़ जी गई है। जी तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे पूछूं, सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। आपका क्वांट तैयारी करने से पहले कैसा था, जब आपने शुरू किया सोचा तैयारी करने को, उसको आपने कैसे इम्प्रूव किया? जी
सर सबसे पहले तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था सर बच्चों को, 10वीं तक के बच्चे को। जब मैंने 2014 में प्रिपरेशन स्टार्ट करा था उससे पहले सर, तो क्वांट के लिए मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी सर उस टाइम तक। बट आफ्टर सिलेक्शन, सिलेक्शन होने के बाद चूंकि ट्यूशन छूट गया था, ट्यूशन पढ़ाना मैंने छोड़ दिया था, तो फिर मॉक टेस्ट वगैरह से ही मैं अपनी प्रैक्टिस करता था। तो मॉक टेस्ट वगैरह मैं लगा तो लेता था सर, बट उतने मार्क्स नहीं आ पाते थे जितने कि मार्क्स चाहिए होते हैं, मतलब जितने मार्क्स सिलेक्शन दिलाते हैं जितने मार्क्स। तो सर अभी अभी जो मैंने मतलब पिछले 1-1.5 साल में अपने अंदर चेंज किए सर, सर मैंने डेली लगभग 10 सिंप्लीफिकेशन के, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस, 10 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस लगाने शुरू करे सर, जिससे मेरा बेस तो पहले से था ही, कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी बढ़ गई सर। अच्छा कैलकुलेशन स्पीड जैसा आप कहते हैं सर कि अगर हर क्वेश्चन पे 10 सेकंड भी अगर बचा लिए, तो अगर मान लीजिए 30 30 3 से 3 मिनट भी अगर मिल गया, तो 2-3 क्वेश्चन हो उससे बड़ी बढ़ी जाते हैं सर। तो मेनली कैलकुलेशन स्पीड मैंने सर थोड़ा सा अपना बढ़ाया सर अभी ड्यूरिंग 1 ईयर 2 ईयर। ओके। और ये जो अर्थमैटिक और डीआई को कैसे आपने इम्प्रूव किया? अर्थमेटिक के लिए सर जो एक कोर्स आया था सर आपका 2021 में, सर आपको शायद याद हो अपने स्टडी स्मार्ट चैनल पे ही कोर्स आया था एक, तो मैं अच्छा उसको सर लाइव तो नहीं देख पा रहा था सर, बट मैं रिकॉर्डेड क्लास उसके देखता था सर। और अच्छा डीआई का भी सर एक कोर्स आया था, हाँ अच्छा डीआई का एक जो कोर्स आया था एसबीआई। कर रहे हैं। जी जी सर, जी अच्छा सर। तो वहां वहां से मैंने क्लासेज लिए सर, और मॉक टेस्ट में लगाता रहता था सर। ओके ओके मतलब सर प्री में, प्री देने से पहले मैं लगभग 80-90 मॉक टेस्ट लगा देता था सर, सारे मतलब जितने रहते थे उनके मैं परचेज करके मॉक टेस्ट डेली एक में लगा देता था सर। ओके 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 जी रीजनिंग को कैसे इम्प्रूव किया आपने? रीजनिंग के लिए क्या रीजनिंग, स्ट्रेटजी रीजनिंग सर स्टार्टिंग से ही मेरी थोड़ी बहुत अच्छी रही है सर। और बाकी पजल सेक्शन जो सर मेरा था, पजल सेक्शन वो मतलब मैं प्री वाले बना लेता था सर, मेंस वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते थे। मतलब क्वेश्चन में पहले कंडीशंस नहीं लिखता था सर मैं, अच्छा जब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर ये बताना, लेकिन मैं पहले उसके कंडीशंस नहीं लिखता था सर। जैसे जैसे पॉइंट आ रहे हैं, जितने उसके वो बनते जा रहे हैं पॉसिबिलिटी, मैं बनाते चला जाता था, 3 4 पॉसिबिलिटी बना लिया और उसके बाद पूरा दिमाग ही पजल कर देता था, वो बनता ही नहीं बार था बार सर। पढ़ना होता था जी बार बार क्वेश्चन। पढ़ना होता था और बार बार उसमें देखते देखते मैं पूरा पजल हो जाता था, तो बनता नहीं था, बाकी पेपर भी खराब हो जाते थे। तो क्लासेस जब स्टार्ट हुई सर अपनी स्टडी स्मार्ट पे, तो वहां से सर कंडीशंस नोट डाउन करना, सबसे पहले मैंने कंडीशंस नोट डाउन करना सीखा, क्योंकि ऐसे में प्री वाले क्वेश्चन तो बन जाते हैं सर, बट मेंस के क्वेश्चन बिना कंडीशंस नोट डाउन करे और उसको मतलब बिना दोनों कंडीशन पॉसिबिलिटी जितनी बन रही है अपनी उनमें पुट करे नहीं हो पाता था सर। डायरेक्ट अगर अपन क्वेश्चन से उठाना शुरू करें तो बिना कंडीशंस नोट डाउन करे प्री तक के बना देंगे अपन, मेंस के नहीं बन पाते थे सर। तो वो वहां से अभी सर बहुत सारे बच्चों का मेरे सवाल लिए आएगा कि ऐसे करके कैसे आपने आरआरबी क्लर्क का एग्जाम निकाला बिना कंडीशन को नोट डाउन किए, कैसे किया होगा 2014 में? हाँ तो 2014 में सर पेपर का लेवल जो आज का लेवल है सर वैसा नहीं था सर। पेपर उस टाइम मतलब बहुत ही इजी रहते थे, उस टाइम सर कट ऑफ भी 170 गया था जब मैंने दिया था अच्छा, 200 वैकेंसी में से, तो ज्यादा पेपर का नहीं लेवल है। उतना। जी ओके इसीलिए मैंने पूछ लिया, वरना कमेंट में यही बच्चे पूछते हैं कैसे किया। उसके बाद आपने जी कंडीशन नोट जी डाउन सर करना शुरू किया और फिर उसको आदत बनाई और वहां से आपने। जी सर ओके, जी तो रीजनिंग के लिए, रीजनिंग और क्वांट दोनों के लिए आपने, क्योंकि आप मेरे से तो लगातार जुड़े हुए थे, हमारी तो वैसे जी भी जी आप पूछते ही रहते थे अपने सवाल टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब सेशन और क्लासेस में भी, और क्या क्या फॉलो किया? मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कहलवाना चाहता कि आपने स्टडी स्मार्ट ही फॉलो, और भी आपने चीजों फॉलो किया होगा, तो उसके बारे में। रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स के लिए सर मैंने मॉक टेस्ट दिए और जो क्लासेज चली उनमें मैं रेगुलर रहा सर। उसके अलावा मैंने सर कुछ फॉलो नहीं किया, कोई बुक नहीं पढ़ा मैं, अलग अलग मॉक टेस्ट, अलग अलग जो अलग अलग उसके थे, जैसे मतलब स्टडी स्मार्ट का तो अभी है सर, पहले प्रैक्टिस मॉक के, अड्डा के, इन सब के मैंने केवल जो मॉक टेस्ट थे वो दिए थे सर, और कहीं से कोई आपने क्लासेज मॉक नहीं है टेस्ट सर। खूब सारे दिए हैं अलग अलग, जी सर मॉक टेस्ट, जी सर मॉक मतलब टेस्ट वहां बहुत से सारे आपने दिए सर प्रैक्टिस मैंने। बहुत अच्छी अपनी करी है, एक बार कॉन्सेप्ट जी इम्प्रूव सर कर लिया उसके बाद प्रैक्टिस खूब बढ़िया से करी आपने। जी जी सर जी ओके सर ओके तो आरआरबी में आपने क्या लिया था, इंग्लिश लिया था, हिंदी लिया था? नहीं सर हिंदी लिया था सर मैंने। अच्छा शुरुआत में। और अभी तो फिर इंग्लिश जी आपने कैसे इम्प्रूव करी अपनी?
इंग्लिश के लिए सर वही सर डेली न्यूज़पेपर वगैरह मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, और जो उसके प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो मतलब आरसी वगैरह डेली मैं लगाता था सर, रीअरेंजमेंट करता हाँ, था, मॉक्स रीअरेंजमेंट बनाता करते थे या रहता था। फिर कोई किताब वगैरह लेते थे? मॉक केवल मॉक से सर, आपने सर एक सजेस्ट करी थी बुक वर्ड पावर मेड इजी करके, हाँ, वो कैप के लिए। जी वो कैब के लिए, तो वो मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसको भी पूरा फिनिश नहीं करा था सर मैंने, शायद इसी अच्छा, वजह से मार्क्स भी कम है सर इंग्लिश में अभी भी। हाँ, मैं देख रहा था आपका रिजल्ट, तो मुझे लगा इंग्लिश में नंबर आपके बाकी की तुलना में, मतलब अभी मैं आपका रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ लगा दूंगा, तो जी मतलब रीजनिंग में आपके अच्छे नंबर हैं, क्वांट में भी अच्छे नंबर हैं, मेंस में, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा कम जी अच्छे नंबर थे। इंग्लिश में जी सर अच्छा, तो मॉक सही मतलब आपने किया है, बहुत कुछ ज्यादा मतलब लग नहीं रहा कि जी मेहनत करी इंग्लिश इम्प्रूव करने में आपने, बस उतना ही पढ़ा इंग्लिश दिया, पास हो सर, गया। हाँ सर इंग्लिश अभी सर आईबीपीएस पीओ में इंग्लिश का सर सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पाया था सर, ओ, मतलब उसको ज्यादा इम्प्रूव मैं कर नहीं पाया सर, क्योंकि मेन फोकस मेरा हो सकता है सर आरआरबी था, इस वजह से भी हो सकता है ये रीजन, एक वही बात। आरआरबी पीओ के ऊपर ज्यादा फोकस था। और जी जीए का सेक्शन, जनरल अवेयरनेस? जीए का सेक्शन सर, एक चीज आप कहते हैं सर वो चीज मैं नहीं कर पाया, इस वजह से 11 नंबर या से 11 या 11.5 नंबर है सर जीए हाँ, में साढ़े भी, 11 के आसपास नंबर है। वो प्री निकलने के बाद फिर मेंस के लिए जब बैठते हैं अपन तैयारी करने के लिए, तो 6 एक साथ पूरा हो जाता है 6 महीने का, महीने का फिर तो हौच पौच वैसा है दिमाग जी जी पूरा हौच पौच हो जाता है, वैसा वैसा करके तैयारी करी थी मैंने जीए की भी लगभग। में। अच्छा, तो मतलब जीए को आपने शुरुआत से फॉलो नहीं किया, आखिरी में ही बस आपने जी सर पीडीएफ वो थोड़ा वगैरह सा, और जी थोड़ा सा मतलब सर मुझे बेनिफिट इसलिए मिल गया क्योंकि आरआरबी पीओ का भी मैंने पढ़ा था, आरआरबी पीओ के लिए भी जी, तो वहां से थोड़ा सा दोनों एग्जाम लगभग साथ हो गए, तो थोड़ा सा वहां से बेनिफिट मिल गया सर। जी ओके। मैं आप सब बच्चों को बताना चाहूँगा कि इन्होंने आईबीपीएस क्लर्क निकाला है, लेकिन इन्होंने आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ के मेंस वगैरह भी दिए हुए हैं पिछले 1 साल से, जहाँ से मैं चंदन से जुड़ा हूँ, तो इनका मेंस में थोड़े थोड़े नंबर से रुक जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये जी इस बार अच्छे से तैयारी करें, तो हो सकता है कि आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ इस बार इनका निकले, जी है ना? मेहनत अच्छी अगर आप करें जी तो। ओके, तो ये तो सारे सब्जेक्ट्स की बात हो गई। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, मॉक्स को लेकर के बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कॉन्सेप्ट इम्प्रूव कर लिया, पढ़ लिया, प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगाना है, जी तो फिर जी मॉक लगाने का क्या शेड्यूल आप फॉलो करते थे? एक तो बताइए प्रीलिम्स से पहले शेड्यूल क्या रहता था, मॉक कैसे देते थे आप, जी फिर सर प्रीलिम्स निकलने के बाद क्या क्या शेड्यूल है, दोनों चीज़ें। जी सर सर प्री से पहले जब भी मैं मॉक देता था सर, तो प्री लेवल के हफ्ते में सर 5 मॉक देता था सर मैं, और मॉक देने के बाद जनरली बच्चे क्या करते हैं, मतलब पहले मैं भी करता था सर, मॉक देने के बाद उसका एनालाइज नहीं करते हैं अपन कि कहाँ पे कितने नंबर्स आ रहे हैं, कहाँ पे हम वो कर रहे हैं। मेरा सर पहले अर्थमेटिक में हमेशा ही रहता था कि अर्थमेटिक का सेक्शन मतलब छूट जाता था, 4-5 क्वेश्चन करता था और बाकी छूट जाता था, तो उनको मैं दोबारा देखता भी नहीं था कि सर ये कैसे बना कैसे नहीं बना क्या हुआ। पिछले एक ये 1.5 सालों में सर ऐसे मैंने कि बस मॉक देना है तो बस मॉक दे दिया, है ना, जी जिम्मेदारी जी ऐसे खत्म कर जी दिया। सर जी सर कितने मार्क्स आए वैसा करके बस छोड़ देता था मैं। पिछले 1-1.5 सालों में सर मैंने जो क्वेश्चन नहीं बने उनको थोड़ा मैं टाइम देता था, उनको दोबारा से क्वेश्चन लगाता था मैं, जिससे अर्थमेटिक भी इम्प्रूव हुआ सर। पहले सर मैं अर्थमेटिक छोड़ देता सर, मैं ये सोचता था कि बिना अर्थमेटिक के भी पास हो सकते हैं मेरे, मतलब मैं यही सोचता था कि बिना अर्थमेटिक के पास हो सकते हैं, जबकि सर मेंस में अर्थमेटिक से ही नंबर आए हैं ज्यादातर, जो अभी नंबर आए हैं वो अर्थमेटिक के ही नंबर हैं सर ज्यादातर। वही तो, प्रीलिम्स से पहले कैसे मॉक देते थे आप, डेली बेसिस पे या हफ्ते में कैसे? सर प्रीलिम्स से पहले मैं हफ्ते में सर 5 मॉक देता था, और मेंस लेवल के 2-3 पजल हफ्ते में बनाता था, और एक मेंस लेवल का मॉक देता था सर अच्छा, हफ्ते में और एक। प्रीलिम्स जी क्लियर हो जाने के और बाद? प्रीलिम्स क्लियर हो जाने के बाद मेंस के 3 मॉक देता था सर, और बाकी जो पजल्स वगैरह थे मेंस वाले जो पीडीएफ पड़े हुए थे सर, अपनी क्लासेस की जो पीडीएफ पड़ी हुई थी उनको सर मैं एक बार मतलब मेंस देने से पहले उसको पूरा मैं एक बार जो क्लासेस की पीडीएफ है सर क्वेश्चंस है वो पूरे एक बार मैं पूरा एक बार बना के जाता था सर। गो थ्रू पूरा कर लेते थे सारी चीजें, जी जी कंडीशंस, सर जी और 3 मॉक्स आप देते थे मेंस के हफ्ते में, जी जी और फिर एनालाइज करना भी उसको रहता था, है जी ना? सर अच्छा, चलिए। मॉक्स कितने कंपनियों के लिए हैं आपने?
कितने कंपनियों के दिए आपने मॉक? सिर्फ एक का ही दिया? मॉक सर नहीं सर, अलग 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 कंपनियों के लिए हैं लगभग अभी भी आप तो सर खैर वर्किंग थे, आप तीन। तो अपने पैरों पे खड़े हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे कितने मॉक्स लेने चाहिए स्टूडेंट्स को? एक में काम चलता है मॉक्स को अगर देखा जाए तो। मॉक सर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अपने, तो मॉक सर मेरे ख्याल से एक या दो सफिशियंट है सर, एक या दो कंपनियों के मॉक सफिशियंट है सर। ओके ओके, चलिए। अब मॉक्स में जो आप अलग अलग कंपनियों में डिफरेंस देखते हैं, तो कैसा डिफरेंस जी रहता है? मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं इस चीज को क्लेरिफाई कर दूं कि हम किसी कंपनी का नाम ले लेते हैं और बच्चे सोचते हैं बस उसी का मॉक ले लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि मैं जी बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि मॉक लगभग सबके सेम ही होते हैं क्योंकि सबको अपने बैंक एग्जाम लेवल पे ही करने हैं। डिपेंड करता है मॉक को कितने अच्छे से दे रहे हैं, कितने अच्छे जी जी से, कितने मन से दे रहे हैं। तो आपने तो खैर बहुत जी सारे मॉक्स लगाए हैं, आपको क्या लगा, क्या डिफरेंस रहता है? क्या डिफरेंस मॉक सर मॉक्स में, आसमान का रहता है? मॉक्स मॉक्स में सर कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता, उनका कोई अंतर नहीं रहता मेरे ख्याल से सर। हाँ मैं चूंकि मैंने इतने सारे इसीलिए लिए थे सर क्योंकि पहले मैं मॉक दे दे के ही मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करता था सर। कॉन्सेप्ट मतलब मॉक लगाते 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 ही पूरी अपनी प्रैक्टिस होती थी सर। मैं ये जो डेली में अभी 5 साइलॉग्स और 5 ये सब क्वेश्चन जो मैं डेली रूटीन में करता था वो मैं पहले नहीं करता था सर, वो मैं अपने मॉक से ही कंप्लीट करता था सर। ओके, चलो इस वजह से मुझे इतने सारे मॉक लेने पड़ते थे सर। अब डेली रूटीन की बात आई है, तो अब जॉब जी करते हुए वर्किंग डे में आपका क्या रहता था डेली रूटीन, जरा बता दीजिए इसको। डेली सर अगर क्वांट की बात करें सर तो 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 नंबर सीरीज सर, और अर्थमेटिक के कम से कम 10 क्वेश्चंस, डीआई जो अपना प्री लेवल वाला है सर उसका एक एक से दो डीआई, और हफ्ते में 3 4 कम से कम मेंस वाले डीआई सर, ये ओके, लगाता था सर मैं जी। और रीजनिंग के लिए? और रीजनिंग रीजनिंग की बात करें सर तो 5 साइलॉग्स, 5 वो सर नाम ही भूल रहा हूँ उसका मैं, इनक्वालिटी। इनक्विलिटी सर जी, 5 5 इनक्विलिटी सर, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस, और प्री वाले 2 3 पजल, और मेंस वाले हफ्ते ये सब में कितनी चार देर में पांच हो पजल जाता लगाते था सर। चंदन? ये सर शाम का टाइम जो सर मेरा रहता था क्योंकि मैं मतलब ऑफिस से आने के बाद खाना वगैरह नहीं बनाता सर, मैं टिफिन लगा रखा था, तो शाम के टाइम मेरा 4 5 घंटे सर इसमें जाता था ओके, और बाकी समय जी। फिर इंग्लिश वगैरह देखते थे आप जी इंग्लिश और सर उतना नहीं देखता था, मॉक लगाने में जाता इंग्लिश के था? ऊपर जी, इंग्लिश के ऊपर जो उतना फोकस नहीं करता था सर नहीं, अच्छी बात है, ईमानदारी से आपने बता दिया। चलिए, जी। तो ये था आपका पूरा डेली रूटीन, मतलब आपने अपना जो शाम का टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज किया। ऑफिस 5 बजे आपकी ख़त्म होती थी, आप 5:30 तक आ जाते होंगे अपने रूम पे, उसके बाद फिर 6 बजे से जी पढ़ना शुरू करते होंगे आप, क्योंकि 6 बजे की क्लासेस में भी आप दिखते थे जब 6 बजे क्लास हुआ करती थी, जी तो सर फिर पढ़ना आप शुरू करते थे। चलिए, अच्छा एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे चंदन, कि जी आपने इस प्रिपरेशन के दौरान, मतलब चूंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो ने प्रिपरेशन शुरू करी बीच में, आपने करी प्रिपरेशन लेकिन फिर थोड़ा फोकस्ड और एक डायरेक्शनल प्रिपरेशन आपने पिछले 1.5 साल में शुरू करी है, जी तो कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी आपने, अगर कोई करी है तो बताइए। बुक्स बुक्स सर एक क्वांट के लिए सर अभी मैंने मतलब पिछले 1 1.5 साल से सर्वेश के वर्मा सर की बुक है एक क्वांट की सर, उसको क्वांटम फॉलो करी लेवल 1 जी, लेवल 1 और लेवल 2 तक की मैंने सर, लेवल 3 ओके, क्वेश्चंस उसके भी नहीं बनाए सर, 1 और 2 के बनाए, वन और और टू। बाकी सर मैंने जी बाकी सर मैंने और कोई बुक्स फॉलो नहीं की। रीजनिंग की कोई बुक्स फॉलो नहीं की सर, जो मतलब इतने सारे सर PDFs अवेलेबल हैं मेरे ख्याल से बुक्स कंटेंट तो से वैसे ही बहुत काफी काफी सारा ज्यादा है जी, कंटेंट बहुत ज्यादा मिल जाते हैं सर, तो मैंने सर बुक फॉलो नहीं की किसी की भी। है। ओके ओके ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया है चंदन। तो आप अपने एक्सपीरियंस से चंदन बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे करनी चाहिए प्रिपरेशन, सर सबसे क्या पहले मेन की मैं पॉइंट है? जी सर सबसे बड़ी बात है सर कंटिन्यूटी कभी ब्रेक ना करें। कंटिन्यूटी ब्रेक होने के बाद क्या है फिर, अगर मान लीजिए मैं जैसे घर आ जाता था सर छुट्टियों में, जैसे घर घर आ जाता था तो 2 3 दिन
तो घर पे आ गए, लेकिन वो पूरा हफ्ता जो होता था, पूरा हफ्ता सर लगता उसी जैसे फ्लो कि में अब निकल जाता है। जी उसी फ्लो में निकल जाता था। फिर उस ट्रैक पे आने के लिए एक हफ्ता लग जाता था सर। तो कंटिन्यूटी सर सबसे मस्ट है सर, कंटिन्यूटी मेरे अकॉर्डिंग तो सर कंटिन्यूटी बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। और किसी टीचर को अगर फॉलो करते हैं, मतलब उनको बिल्कुल फॉलो करें, ऐसा नहीं कि अब जैसे ये टीचर फॉलो कर रहे हैं, वो टीचर फॉलो कर रहे हैं, तीन चार कर रहे हैं, तो उसमें सर पूरा हौचपच हो जाता था सर हाँ, मतलब आपको बच्चों अगर में सलाह ज्यादातर। लेनी है तो अपना कोई एक एक सलाहकार को ही बनाइए, 50 सलाह जी ले लेने से आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपके कहने का मतलब ये जी है। सर। सर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा सर। हुँ। सर आप पहले पेन पेपर से पढ़ाते थे, हुँ। और पेन पेपर से 2016 में सर मैंने एक वीडियो देखी है आपकी, 2016 की बात है सर ये, जो इनक्विलिटी है सर, बंद रास्ता और जो क्लोज डोर वाला कॉन्सेप्ट है सर, वो सर मैंने वहीं सीखा था, आपसे सीखा था सर। उसके बाद सर जो कि उस टाइम पे यूट्यूब पे इतना मतलब शेयर करें फॉलो करें ऐसा नहीं था सर उस टाइम पे 16-17 में लगभग, तो इस वजह से सर मैंने सब्सक्राइब वगैरह किया नहीं था सर। तो सर अभी पिछले मतलब 2020 में सर जब मैं बहुत हताश हो गया था, तो मैंने एक अपना मतलब नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए पता नहीं, नहीं, मैंने उनका बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन लिया था, सब्सक्रिप्शन लिया था सर। तो फिर आपको वहां पे देखा सर मैंने, अच्छा, तो फिर मैंने सर वहां से दोबारा मैं यूट्यूब पे गया, फिर आपको सर मैंने फॉलो करा, और उसके बाद सर मैं आज तक आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। वही आप जुड़े हुए थे चंदन। लेकिन अच्छा लगता है कि जो बच्चे कंटिन्यूटी बना के रखते हैं उनको सफलता जी मिलती है, तो अच्छा लगता है जान करके। आपने इंटरव्यू भी दिया था ना चंदन इस बीच में कोई? हाँ सर, अभी सर आरआरबी पीओ का इंटरव्यू हुआ था सर हाँ, थोड़े दिन मैंने कह पहले। रहा था कि मॉक इंटरव्यू शायद मैंने आपका लिया था, जी सर है ना, इंटरव्यू भी। अब तो जी चंदन, आप इंटरव्यू से होकर क्या, इसमें क्या हुआ आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में, मतलब क्या कितने नंबर से रह गए आप? सर 0.22 से सर रिजर्व लिस्ट में हूँ सर। अच्छा, हाँ अभी तो बताया आपने, 0.22 से रिजर्व लिस्ट में जी हैं आप। चलिए, उम्मीद जी करते सर हैं क्लियर हो जाए तो और ही अच्छा है। जी, हाँ, तो वो कहाँ से भरा है आरआरबी पीओ? आरआरबीपीओ सर बिहार से भरा है सर, क्योंकि अच्छा, चलिए। उसमें सर ऑप्शन दिल्ली का है नहीं, इस हाँ, वजह दिल्ली से में तो है ही दिल्ली नहीं में तो आरआरबी, आरआरबी है नहीं। जी जी या तो यूपी से भरेंगे या तो बिहार से ही भरेंगे। ओके, तो आपके अनुसार कंटिन्यूटी एक मेन फैक्टर है जिसने आपको जी सफलता दिलाई, और थोड़ा सीरियसनेस जी भी चाहिए, मतलब जी एक सर जिम्मेदारी की तरह कोई काम ना किया जाए, जैसा आप चंदन के इंटरव्यू से हमको सीखने को मिलता है कि मॉक देना है तो सिर्फ मॉक दे दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया, ऐसे नहीं देना चाहिए। मॉक दे रहे हैं उसको एनालाइज करिए, आप किस क्वेश्चन में फंसे थे, क्यों फंसे थे, क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्यों क्वेश्चन छूट रहे हैं आपके। मुझे ऐसा चंदन से आप सीख सकते हैं कि इन्होंने अपना एक शेड्यूल बना रखा है कि इतने इतने क्वेश्चन इनको डेली कम से कम वो करने ही करने हैं। अब चंदन के कहने का ये मतलब नहीं कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 5 ही क्वेश्चन करने का, ये इनका मिनिमम है कि मतलब इनको इतना तो करना ही जी जी करना है अपने आप को कॉन्टिन्यूटी में रखने के लिए। इसके ऊपर से ये जो भी करते हैं वो उन्हीं के फायदे की चीज़ है, जितना और अलग से करें। इन्होंने जो बताया कि मैथ जी और रीजनिंग में हम करें, मिनिमम तो इतना मैं करूंगा ही ताकि वो कॉन्टिन्यूटी मेरी बनी रहे, उसका फायदा इनको मिला। जहां तक मुझे लग रहा है इनके अटेम्प्ट भी बढ़े, क्वांट में भी बढ़े, क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी रहती है तो जो नंबर सीरीज का सवाल आप 2-1 मिनट में कर रहे हैं वही 30 सेकंड में कर रहे हैं, तो भाई स्पीड तो दुगनी हो ही जाती है अगर आप रोज कर रहे हैं। जी सर कितने तरह के पैटर्न ही हैं, अगर आप रोज प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको तो देखते ही पता चलने लग जाते हैं कि अच्छा क्या क्या लग सकता है इसमें, है ना। यही हाल आपका जी अर्थमेटिक का भी जी है ना। तो चलिए चंदन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपकी इन बातों से बहुत सारे बच्चों को जी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको आपके फ्यूचर में आने वाले और अटेम्प्ट्स के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और उम्मीद थैंक यू करते सो हैं मच हम सर। आपका आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि पिछली बार जी मैंने जिन सर बच्चों को आईबीपीएस क्लर्क में जो सेलेक्ट हुए थे बच्चे, जिनको मैंने कहा था उम्मीद करते हैं आपका पीओ का इंटरव्यू करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा चंदन, जी उनका इस बार हम इंटरव्यू कर रहे हैं पीओ का। आपका ये पहला जी सर इंटरव्यू है, और वो सारे बच्चे जो क्लर्क में पिछले साल सेलेक्टेड थे वो पीओ में सेलेक्ट हो जी चुके हैं, तब उनका भी इंटरव्यू अब जी सर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर थैंक यू सो करके। मच सर, बाकी थैंक आपके यू अगर सर। कोई सवाल हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट के नीचे, कमेंट में आप जा करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक बात है चंदन, एक दो दिन देखेंगे और उसका जवाब दे सकते हैं।
इनको जैसा समय मिलेगा अपने ऑफिस टाइम से तो जवाब आपका देने का प्रयास करेंगे। ओके चंदन, मिलते हैं फिर क्लास में ही। थैंक यू सो मच सर, बाय।